तो कैसे हो दोस्तों? आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? दोस्तों, ये है पिघला हुआ लावा जो एक ज्वालामुखी से निकला है। आइए मैं आप लोगों को ज्वालामुखी के बारे में बताता हूं। आ जाइए। मुझे यकीन है कि आपने पहाड़ देखे होंगे जो खुल जाते हैं और अपना गाढ़ा पिघला हुआ सेमी सॉलिड जैसा पदार्थ निकालते हैं। दोस्तों, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। आइए उसके बारे में और जानते हैं। एक ज्वालामुखी एक छेद या चिमनी होता है जो मैग्मा को धरती की परत से धरती के ऊपर वाले भाग तक जोड़ता है। इस पिघले हुए पहाड़ को मैग्मा कहा जाता है। ये जमीन के नीचे होता है और जब बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो एक ज्वालामुखी फटता कैसे है? पिघला हुआ पहाड़ जो मैग्मा में जमा होता है वो क्रेटर पाइप पॉकेट्स के जरिए ऊपर आता है। जैसे ही ये ऊपर मुख्य छेद में आता है, गैस फैल जाती है और पानी भाप बन जाता है, जिससे दबाव बनता है। दोस्तों, जब दबाव अंदर नहीं रुक सकता तो ज्वालामुखी फट जाता है क्रेटर और दूसरे साइड के छेदों से। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं। माना जाता है कि ज्वालामुखी बड़े बड़े तिकोने आकार के पहाड़ होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्हाइट प्लैटर्स, फिशर वेंट्स और बल्जिंग डोम के आकार के। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महासागर की तरह से आइस कैप्स के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं, जैसे कि आइसलैंड में मिलते हैं। ट्रिविया टाइम। ज्वालामुखी शब्द असल में आग के रोमन देवता के नाम से आया जो थे वुल्केन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी धरती पर नहीं है बल्कि मार्स पर मौजूद है। तो अगली बार आपको कुछ और मजेदार बातें बताऊंगा। अभी वक्त है मेरे जाने का।